फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। तुम मुझे भूल गई लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। तुम जैसी आफत को कोई कैसे भूल सकता है? बहुत अच्छे से याद हो मुझे। और ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? ये ना कहना अपनी दोस्त की मोहब्बत में आओ, सच सच बताओ मुझे। सच बता दूँ? हाँ, तुम्हारी मोहब्बत में आए। देखो जब मैं नॉर्मल होती हूँ ना तो छोटा मोटा अखबार करती हूँ, जब मैं गुस्से में होती हूँ ना तो गाड़ी के नीचे देती हूँ सीधा। मैं मजाक ही तो कर रहा था। हाँ मजाक कर रहे थे ना, मुझे भी ये लगा, वरना अभी तक दे चुकी होती गाड़ी के नीचे। वैसे एक बात बताऊँ, काफी ब्यूटीफुल अब तक तो कहीं इजहार मोहब्बत कर चुका हूँ या सारे वफात पा गए। सोचा है नसीन, तुम्हारे घर वालों को जब तुम्हारी तकरीब कारियों के बारे में पता चलेगा तो बेचारा कैसे फील करेंगे वो? वैसे तो काफी रिस्पेक्टेबल है लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि उनकी बेटी लड़कों को अगवा करती है तो मेरा नहीं ख्याल वो इतना प्राउड फील करेंगे। नॉट एग्जैक्टली ब्लैकमेल। मैं ताबी से अब भी कहती हूँ कि सबके सामने सच बताए कि तुम उसकी क्लास में क्या स्कूल भी दूर दूर तक नहीं गए। सबको सच पता चलेगा ना, कोई तुम्हारी बात पे की नहीं करेगा। अरे वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा? उसके अच्छे भी मानेंगे। अरे मां सदके, अभी तो पहला वाला घूमड़ नहीं गया, आप दूसरी की तैयारी में। अजलान नाम याद रखना बस। हम भी देखते हैं कैसी नहीं मानेगी। अंकल पहले मैं अपना बिजनेस यूके में स्टार्ट करने वाला था लेकिन फिर वतन से मोहब्बत मुझे वापस पाकिस्तान खींच लाए। अब मैं चाहता हूँ कि अपना बिजनेस सेटअप यहाँ पाकिस्तान में करूँ, बहुत सारे बेरोजगारों को जॉब फराहम करूँ ताकि उनकी और उनकी फैमिली की दुआएं हासिल कर सकूँ। भला इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है? माशाल्लाह बहुत आला, काफी सही टाइप सोचे तुम्हारी। इंस्पायरिंग यंग मैन। थैंक यू सर। देखो सिकंदर, तुमसे उम्र में छोटा और हमारा वो जो ताबी है उससे एक दो साल सीनियर है। क्या जवान है ये, यानी बाहर पढ़ के आया है, लोग ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में कारोबार शुरू कर रहा है। वाओ थैंक यू। आजकल के यंगस्टर्स को मैं देखता हूँ, बहुत दुख होता है, अजीबोगरीब हरकतों में लगे हुए हैं। एक्चुअली अंकल यू आर राइट, मैं जब इस दफा पाकिस्तान आया ना तो मेरा इंटरेक्शन भी डाकू के ऐसे टोले से हुआ। क्या आप लोग चाय क्यों पी रहे हैं? मतलब कॉफी पिए ना, कॉफी। बेटा तुम ऐसे ही बैठ गए। बेटा तुम यहाँ, हम लोग कुछ सीरियस बात कर रहे थे। तू जहाँ सीरियस बात हो रही हो वहाँ तुम्हारा क्या काम? तुम जाके वो उस ताबी के साथ लूडो या कैरम वगैरह खेल जाओ। शाबाश। जी अंकल, तो मैं कह रहा था कि जो मेरा बिजनेस प्लान है ना। अंकल मुझे ना ये मिस अमन का कोई सीरियस इशू लगता है, बात बात पे टकरा जाती है, घर पे भी काफी डेंट वगैरह है। बेटा बक्सर ही टकरा जाती। देखो कुछ ख्याल नहीं किया तुमने, इतने अहम इशू पे आई साइट उसकी चेक करा लेती कम से कम। कौन से बैंक का चेक भाईजान? खैर तुम्हारा तो अपना समाज का मसला है, कोई कोई बात नहीं की मैंने। देखो कुछ नहीं अंकल, आप फिक्र ना करें, अगर इलाज वक्त पे हो जाए ना तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। Stitching time saves nine. Absolutely. भाईजान आपके पास तो हर बात पे कहानी है, आप अपनी आपबीती क्यों लिखते? जी मैं लिख रहा हूँ वो भी। मोहब्बत मुझे उन जवानों से सितारों पे जो डालते हैं कम। I like it. आयो 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 जवाना, और क्या दाव लगा है तुझे, और तुझे देख के अपनी जवानी याद आ गई। वाह 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 वाह।
खुशखबरी सुनाओ तुम। नवाब ने अपना पोल्ट्री फार्म खोलन का फैसला कर लिता है। ना इना भैड़ा मुंह बना के मेरे वाल वेखन की की लोड़ है। अब पिछले साल उसने ना फिश फार्म बनाने का ऐलान किया था, एक फिश का दाना इस कार में नहीं आया। अब तक तो वो फिशें बुड्ढी होके मर खप गई होंगी। ओ नहीं नहीं, वो उन्हें और इरादा तर्क कर देता सी। अरे थोड़ा इंतजार कर, ये इरादा भी तर्क ही होना है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे हैं। मेरे भांजे भतीजों के लिए कभी कोई अच्छा अल्फाज ना निकालना। एक तो अपना भांजा है अवारा बदमाश ते लोमड़ एक नंबर दा, ओनू बेटा जी कहंदे नहीं तकदे तुसे। जिन्नी जदाद मैंने अजलान की दबाई भी है ना, अगर इतनी तेरे नवाब कबाब की दबाई भी होती, उनको भी ऐसे बुलाना था मैंने। शदाब ना आएगा उदा। और कुछ भी हुआ करे मुझे क्या, सारी कुश्ती का मजा ही खराब कर दिया, तिक्के भी ठंडे हो गए। मैं कहनी हां दफा कराओ कुश्ती ते तिक्कियां नु, इक्को एक बेटी है ये, जरा सोचो खुश रहेगी उत्थे। ओ हसीना जी, मैं ये चाहता हूँ कि अपनी बेटी के साथ मैं भी खुश खुरम रहूं। और ये करोड़ों की जायदाद, ये मैरिज हॉल, ये आलीशान कार, और ये ऐसे नहीं बनते, इसके लिए मर जाने की जरूरत होती है। और आपको तो पता है कैसे बना ये सब कुछ। हाँ जी, अजलान दे प्यो दा सारा पैसा तुसी दबाया है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। अब जरा सोचो कि अगर ये मुंडा किसी दिन खाते खोल के बैठ गया तो बरादरी में 100 दुश्मन 100 सज्जन, और किसी ने अगर उसके दिल में ये बात डाल दी तो फिर है? सही कह रहे हो तुसी, ये तो बड़ा ही बुरा हो जाना। अब जरा ये सोचो कि ये करोड़ों की जायदाद का मालिक मुंडा अजलान, ये अगर हमारा ही दामाद बन गया, फिर ये जायदाद किधर जाएगी? इधर है। इसलिए कहता हूँ ये जो अजलान के लिए अपना रवैया है ना, इसको बदल दे, ठीक है? वरना फिर देख ले, अगर ये मुंडा और ये जायदाद चली गई फिर हम तो खाली हाथ होंगे, और इस उम्र में मेरे से कुश्ती नहीं लड़ी जानी। मेरी तो खैर है, लेकिन अपना देख ले, ये महंगे महंगे सूट, ये महंगी जुतियां, ये सोने की ज्वेलरियां, इसके बगैर फिर तू रह लेगी। इसकी तो फिर भी खैर है, ये जो इतना महंगा मेकअप यूज करती है, मेकअप के बगैर रहने का सोच लेगी। हाला लाला, मैं तो नहीं सोच सकता तुझे मेकअप के बगैर। हाँ अबे पागल चाचा आ गए, निकलो। अयो सर, खबर दो कितनी बार खाया, मुझसे लगा लगा क्यों सब है, सुनते नहीं हो क्या? आइंदा यहाँ बल्ला विकेट ले लो इनसे। रन गो। मना नहीं करते हो तुम? जी सर। इतना चला के वो लड़का मेरे इतने इंटेलिजेंट पापा को उसने शीशे में उतार लिए। पूछो ना उससे कब जाएगा यहाँ से, सारा दिन फेक लड़कियों के प्रोफाइल्स पे रिप्लाई करते हो बस। अरे अरे, एक तो मैं अपने इतने प्यारे बिछड़े हुए दोस्त से इतने अरसे बाद मिल रहा हूँ और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम ना होटल शिफ्ट हो जाओ, ये तुम्हारा चहीता दोस्त तुमसे रोज मिलने आ जाया करेगा। बल्कि इसको साथ ले जाओ एक काम करो, क्योंकि इस घर में कोई काम तो करता नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं और ना ही तुम्हारी। है अमल, घर आए मेहमान से इस तरह बदतमीजी करते? भाईजान ने सुन लिया ना तो तुम्हें तो गुस्से कहेंगे, लेकिन मेरी तरबियत पे 100 सवाल उठाएंगे कि बिन माँ की बच्ची थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं की। अच्छा भाईजान तब सवाल नहीं उठाएंगे जब इतनी खूबसूरत जवान जहान लड़की के होते हुए आपने गए लड़के को घर में रख लिया। अरे आप क्यों फिक्र कर रही है, आप जैसी लड़की को कोई खतरा नहीं हो सकता। हाँ अलबत्ता अगर आप आंटी जैसी होती ना तो बात कुछ और थी। इस बेचारी को यह गलत फहमी है ना कि मुझ पर गई है। आंटी आई साइड जो वीक है, जगह जगह इसलिए टकराती फिरती है। ये मोटे मोटे चश्मे लगेंगे ना, पूरी दादी अम्मा की तरह लगेगी। मुझे लग रहा है कि चश्मे लगवाने से पहले तुम्हारी बात कहीं लगवा दी जाए, वरना अगर लोगों को पता चल गया कि नजर भी कमजोर है तो रिश्ते में तो बहुत मसला हो जाएगा।
आंटी मसला कैसे होगा, माशाल्लाह फी सबीलिल्लाह, रिश्ते वाले काम भी तो कराती हैं ये। एक दफा तो मुझे खुद ऑफर दिए। मैंने कोई ऑफर नहीं की थी, ख्वाब में आया होगा इनके। अपनी शादी पे राजी होती नहीं हो और दूसरों के रिश्ते करवाने चली हो। आंटी वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार्म। एक्सक्यूज मी ब्रदर, एक मिनट। मामा आज मुझे सिकंदर मामू नजर नहीं आ रहे, कहाँ है सुबह से? उनका मसला क्या है? मरीज इश्क है, अब इलाज उसका शादी है। लेकिन अगर तुम उसको समझाओ तो हो सकता है कि वो मान जाए, शादी के लिए राजी हो जाए। शादी हो जाए ना सिकंदर की तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी में सुकून ही सुकून का, बस एक बार वो मान जाए। क्या है? तुम्हारी माँ ने इस फ्रॉडी को घर में रखने का एक और बहाना ढूंढ लिया है। तुम्हारे माँ है? मैं थोड़ी लाया था माँ को, पक्का कसूर है ये सारा। क्या बातें कर रहे, बता तो नहीं रहा। ये इतने मच्छर क्यों काट रहे हैं? मुझे लगता है जरूरी अमल की साजिश है। अजलान अपने रूम में सो जा भाई, अभी सोया। उधर रहो यार, अजलान सोने दो यार, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? अपने कमरे में सोना। मेरे कमरे में मच्छर बहुत। अरे घुटने से भी आवाज। अच्छा टांग हटा दे प्लीज। गुलाबों को वो तो जल जाएगी, तो फिर क्या पहन के जाएगा? बस आज के लिए इतना काफी है, क्या पता इसी में भाग जाए। उठो फूफो बुला रही नाश्ते के लिए। म
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज प्लीज, गर्म पानी आ रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आइए आइए, प्लीज, मोस्ट वेलकम। भला आपको कौन रोक सकता है? कहीं जाने का इरादा है? जी वो एक जरूरी काम है आज मेरा, प्लीज दुआ कीजिएगा। बिल्कुल करूंगी दुआ, आप ही के लिए तो करूंगी। अगर कुछ प्रेस करवाना है तो मुझे दे दें, गुलाबों से कह के प्रेस करवा देती हूँ। गुलाबों से कहना होता तो मैं खुद नहीं प्रेस करवा लेता, लेकिन चले अगर आपको इतने ही मेरी खिदमत का शौक हो रहा है तो प्लीज ये शर्ट इस्त्री करवा दीजिएगा। इतनी बदरंग शर्ट? बदरंग नहीं, ये तो मेरा फेवरेट कलर है, बहुत सूट करता है मुझे। फिर ठीक है, मेरा क्या जाता है, मैं प्रेस करवा देती हूँ। लगता है काम काबिलियत पे नहीं, मज़लूमियत पे लेने का इरादा है। क्या कहा? वही जो सुना, करा रही। चला को मासी, अगर तुम लोग हमारे घर में रिश्ता लेकर आते हो तो इसमें हर्जी क्या है? अम्मा थोड़े से पुराने ख्यालात की हैं, वो इस बात पे अड़ गई हैं कि रिश्ता सिर्फ लड़के वालों को ही लाना चाहिए। और अगर मैं अड़ गया तो? सुल्तान जिंदगी बहुत कम लोगों को ऐसा मौका देती है अपने मोहब्बत को हासिल करने का। अगर आपकी असर से शादी हो गई तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। मेरी नहीं, तुम्हारी दोस्त की जिंदगी बन जाएगी। जिस रास्ते पे तुम चल निकली हो उस पे चलते चलते कहीं तुम अकेली ना रह जाओ। हाँ भाई चमन, आ रहा, बोलो कैसे फोन किया? भाई सुबह सुबह इतनी मसरूफियत होती है और तुम कॉल कर लेती हो, मना भी किया है तुम्हें। भाभी आपको तो जब भी कॉल करो आप मसरूफियत का ही रोना रोती रहती हैं। मुझे लगता है आप अपनी प्यारी सी देवरानी को बिल्कुल भूल ही गई हैं। अब ऐसी बात भी नहीं है, मगर तुम खुद सोचो ना, इतना भरा पूरा घर है, सारा दिन मैं थक जाती हूँ, सुबह से लेकर रात हो जाती है, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। तो भाभी ये मसरूफियत तो आपने फिजूल में पाल रखी है ना, और माशाल्लाह से दो जवान भाई हैं जो शादी के काबिल हैं, और फिर आपकी ये प्यारी सी साबिका देवरानी आपकी पक्की पक्की सहेली जो 2 साल पहले ही बेवा हुई है। नाश्ता लाओ जी। नहीं मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरे से कहा तुम खा लेना। अरे क्या करूं, दो भाई तो हैं शादी के काबिल, मगर शादी के लिए राजी भी तो हूँ मैं। तो जब भी शादी का जिक्र करती हूँ ना, दोनों ऐसे बिदकते हैं जैसे घोड़े को चाबुक मार दियो। सिचुएशन तो वाकई नाजुक है। क्यों भाई? अरे बाद में बात करती हूँ। क्या मतलब?